Hello my dear students, today we are going to do PT2 class 4 English. So let's have a look on the question paper first. Here is the unseen passage. Read the passage carefully and give answer. Once there lived a clever intelligent deer in a jungle, clever or intelligent deer jungle One day his sister came to him and said, Brother, please keep your nephew under your guidance and educate him. एक बार उसकी बहन आई और उसकी बहन ने कहा कि उसके बेटे को अपने पास रखे और उसे अच्छे से गाइड करे उसे एजुकेट करे ट्रेन हिम इन सच अ वे दैट ही इज एबल टू फेस एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन लाइफ उसे ऐसी शिक्षा दे कि वो अपने जीवन में मुश्किल समय का सामना कर सके सो से इंग द सिस्टर लेफ द बेबी डियर विद हर ब्रदर एंड रिटर्न टू हर हाउस ये बोलकर वो अपने घर वापस चली गई The baby deer was now under his uncle's guidance and gaining good education. अब वो बच्चा अपने अंकल के पास रहकर अच्छी-अच्छी एजुकेशन और अच्छी बातों को सीख रहा था. One day while playing with his friends, the baby deer went a little deep in the jungle. एक बार अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए वो बच्चा जंगल में काफी अंदर चला गया. After some time, the baby deer was trapped in the net. और वो एक जाल में फंस गया. So, the first question is Who lived in a jungle? Jungle me kaon rehta tha? Dear. The second question is What did sister say to brother? Sister ne apne bhai se kya kaha? Here is the answer Brother, please keep your nephew under your guidance and educate him. Train him in such a way that he is able to face any difficult situation in life. What happened? When baby deer went in a little deep into the jungle, kya hua uske She was trapped in the net. Woh ek jaal mein Put correct describing word from the passage. Dash situation, situation kaisi thi, difficult thi. You have to choose this word from the passage itself. Dash education, kaisi education thi, good education. Write plural of given words, sister, sisters. बेबी बेबीज टूवर्ड्स पंडित आपको इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना है मैंने दोनों कर दिए हैं हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी कैसे ट्री ने हेल्प किया मैंने दो तरीके से आंसर को लिख के दिखाया है द ट्री अलाउड द बॉय टू प्लक एप्पल्स एंड सेल इट ये भी लिख सकते हैं आप द ट्री अलाउड हिम टू अर्न मनी बाय सेलिंग एप्पल्स इन द मार्केट ऐसे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स एंड वेन शुड वी नॉट वॉटर द प्लांट्स वट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स एंड वेन वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स morning and evening times are the best time to water the plants we should not water the plants in the afternoon next question is name those who tried to make the cow move in milkman's cow milkman's cow ki story mein kisne, kisne ki thi? the policeman grocer wrestler ice cream man and the boy helped the milkman to move the cow next is section c grammar फ्रेम सेंटेंसेस फ्लार्स का सेंटेंस बनाना है आई हैव ब्यूटिफुल फ्लार्स मिल्क मैन का बनाना है द मिल्क मैन टेक्स केयर ऑफ द काम तो आप हमेशा सेंटेंस बनाते समय से ध्यान रखेंगे कि सेंटेंसेस बहुत छोटे होने चाहिए ताकि मिस्टेक्स ना हो गिव प्लूरल ऑफ़ फुट फीट चाइल्ड चिल्ड्रन गिव ऑपोजिट्स उल्टा बताना है स्ट्रांग वीक पॉसिबल इम्पॉसिबल राइट सिंपल पास टेंस ऑफ ग्रो ग्रीव प्रे प्रेड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एवन वर्ड्स इन द ब्रैकेट जो ब्रैकेट में है उसमें से आपको चूज करना है द ग्रॉसर वॉज अनएबल टू मूव द काव वो काउ को नहीं हिला पाया सो ही वॉज अनएबल द किंग सिट्स ऑन द थॉर्न टी एच आर ओ यानी थ्रॉन पे बैठता है राजगद्दी थ्रोन का मतलब फेंकना होता है ये दोनों होमोफोन्स हैं ध्यान से भरेंगे

बिग हो सकता है स्मॉल हो सकता है ब्यूटीफुल हो सकता है एनी वन वर्ड यू हैव टू राइट मूड कैसा हो सकता है गुड भी हो सकता है बैड भी हो सकता है नेक्स्ट इज पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस पंक्चुएशन लगाना है आपको एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाएंगे ब्रेवो के बाद ब्रेवो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब देन लास्ट में फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड माय मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स किलोग्राम है तो एप्पल्स होगा अ ब्रांच हैज अ नंबर ऑफ लीव्स नेक्स्ट इज क्रिएटिव राइटिंग यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एमसीडी ऑफिसर फॉर कलेक्टिंग डेब्रिस इन योर एरिया अंडर स्वच्छ भारत अभियान कूड़ा इकट्ठा करने के लिए कूड़ा नहीं इकट्ठा हो रहा है इसके रिगार्डिंग आपको एम ऑफिसर को एक लेटर लिख के इन्फॉर्म करना है एल्स यू कैन डू अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ द गिविंग ट्री इन योर वर्ड्स सो आई हैव डन दिस द स्टोरी इज अबाउट द लाइफ एंड फ्रेंडशिप ऑफ एप्पल एंड ट्री एंड अ लिटिल बॉय द बॉय डेवलप्ड अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद अ ट्री द ट्री वॉज गिविंग बाय नेचर एंड द बॉय इज रिसीविंग लिटिल किड देन अ टीन एजर टू द मिडिल एज मैन एंड फाइनली एन ओल्ड मैन तो स्टोरी को अपने वर्ड्स में आप कैसे भी लिख सकते हैं राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हियावाथा ही हीथा के बारे में आपको लिखना है और राइट इन ऑटो बायोग्राफी ऑफ अ काओ तो हियावाथा के बारे में आप जानते हैं मैंने दूसरे पेपर में लिख दिया था तो इस बार मैं ऑटोग्राफी काउ की लिखती हूँ द काओ इज अ डोमेस्टिक एनिमल काओ अपने बारे में क्या सोचती है? One day, में हैं वन डे द काओ था वाई डू पीपल गेव मी फ्रेश ग्रैस सो मच फिर वो रियलाइज करती है शी रियलाइज दैट पीपल टेक केयर ऑफ हर टू गेट मिल्क क्योंकि उससे हमें दूध मिलता है द का इज अ जेंटल एनिमल इन फैक्ट इट इज वेरी यूजफुल द डंग इज यूज एज अ फ्यूल एंड प्रोड्यूसिंग बायोगेस टू देन शी रियलाइज एज हर सेल्फ टू बी अ ग्रेट एनिमल नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन ई स्पेलिंग्स एंड सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग स्कॉलर एस सी एच ओ एल ए आर स्कॉलर Accepted, A double C E P T E D, Accepted. किसी चीज को लेना या मान लेना मेक कंपाउंड वर्ड्स होना चाहिए यहाँ पे. कंपाउंड वर्ड्स यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स जैसे कि नून में हमने डे जोड़ दिया तो नून डे बन गया गम में बूट जोड़ दिया तो गम बूट बन गया अनस्क्रैम्बल द letters टू मेक अ न्यू वर्ड दिस इज मैरी गोल्ड यू हैव टू स्पेल इट वेरी करेक्टली m a r i g o l d जैसमिन